यूक्रेन में तबाही मचाने आया है। वो यूक्रेन में खून का दरिया बहाने आया है। बार मुर्गी खाने के बाद पुतिन ने अपने एग्रेशन का गियर चेंज कर दिया है। यही वजह है कि अब जंग की तस्वीर धीरे धीरे और भयानक होती जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जिसने अचानक युद्ध की दिशा को बदल दिया? वो कौन है जो पुतिन के एक आदेश के बाद यूक्रेन से चुन चुन कर बदला लेने की तैयारी में जुटा है? इन सवालों का जवाब ये चेहरा है जिसके कोट के कॉलर पर पुतिन का हाथ है। ये सर्गेई सूरोविकिन हैं, जिन्हें पुतिन ने अपनी फौज की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। इन्हीं के कंधों पर इस वक्त यूक्रेन को हासिल करने की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये अपने आदेशों की लकीर किसी भी हद तक खींच सकते हैं। दावा किया जाता है कि 56 साल के सर्गेई सूरोविकिन के पास जंग लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। जानकारी के मुताबिक सर्गेई दुनिया भर में 5 युद्धों की अगुवाई कर चुके हैं। सर्गेई को जानने वाले उन्हें बेहद क्रूर आर्मी अफसर में शुमार करते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन की वजह से सर्गेई सूरोविकिन को 2 बार जेल भी भेजा जा चुका है। यही वजह है कि मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग सर्गेई को नापसंद करते हैं। सीरिया में भी बारूदी बारिश का जिम्मा सर्गेई के ही कंधों पर सौंपा गया था। इतना ही नहीं, सर्गेई पर सेना में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोप भी लग चुके हैं। बावजूद इसके वो इस वक्त पुतिन के साथ सबसे खास लोगों में से एक हैं और यही वजह है कि यूक्रेन में तबाही लाने के लिए सर्गेई किसी भी हद तक जा सकते हैं।